स्पेस शेप टाइप की बिल्डिंग सी है। ये आ रही है जी एक पुरानी ट्रैम, ये देखें, ये देखें, और वेजिटेबल्स हैं। वेलकम टू अपनी देसी लाइफ, मेरा नाम है इमरान और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ आज पोलैंड की एक सिटी में जिसका नाम है कैटोविस्का, और इस वीलॉग में करेंगे यहाँ का वॉकिंग टूर और इस सिटी को करेंगे एक्सप्लोर साथ में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में फीडबैक शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज के वीलॉग को। तो जी सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे मेन सेंट्रल स्टेशन के पास स्क्वायर है जो वो कैसा है। तो जो ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये UFO स्पेस शेप टाइप की बिल्डिंग सी है, और ये बेसिकली यहाँ का मेन ऑडिटोरियम है, कॉन्सर्ट हॉल है, काफ़ी ज़बरदस्ती बिल्डिंग है। और उसके साथ ये जो ब्लैक बिल्डिंग नज़र आ रही है ये यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। ये यहाँ की IT कंपनीज जो हैं वो यूज़ कर रही हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक आर्ट वर्क ये बना हुआ है, ऐसे जैसे विंग्स बने होते हैं वो है। और इस साइड पे यहाँ का जो है मेन पार्क है, और चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं और यहाँ पे चीज़ें क्या हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस तरह मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी वॉल्स पे इन्होंने इस तरह प्लांट्स लगाए हुए हैं और ग्रीनरी को काफ़ी प्रमोट किया हुआ है। ये मेन स्टेशन के पास काफ़ी मुझे ऐसे वॉल्स नज़र आए हैं। और अब हम चलते हैं जी इनके मेन स्क्वायर की तरफ जहाँ से सारी ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली गुजर के जाती है। ये जी हम आ गए यहाँ के मेन स्क्वायर पे, यहाँ से सारी ट्रैम्स जो है मेनली गुजर के जाती हैं। तो अगर आपने सिटी के किसी भी साइड पे जाना हो तो ये कैटोविस्का का जो मेन स्क्वायर है वहाँ से आप ट्रैम ले सकते हैं। और इवनिंग में यहाँ पे काफ़ी रश होता है क्योंकि उस साइड पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे आउटडोर सिटिंग के लिए भी जगह बनी होती है, जैसे वो वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी टेंट से बने हुए हैं, तो काफ़ी आउटडोर सिटिंग की भी जगह है यहाँ पे। और इस सिटी में ट्रैम्स बहुत ज़्यादा हैं, ये ज़रा लेटेस्ट स्टाइल की ट्रैम थी, और ये आ रही है जी एक पुरानी ट्रैम, ये देखें ये गुजर के जा रही है। मैंने यहाँ पे नोट किया कि जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रैम्स के थ्रू है, और बड़ा अच्छा इनका ट्रैम्स का नेटवर्क है, डिफरेंट लाइन्स हैं, रेड येलो, आप वो ट्रैम्स ले सकते हैं सिटी से एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए। ये देखें एक और ग्रीन वॉल हमें नज़र आ रही है सामने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी को ये लोग प्रमोट करते हैं, तो मुझे ऐसी काफ़ी वॉल्स नज़र आई हैं जिसपे प्लांट्स लगे हुए हैं। चलें जी चलते हैं दूसरी साइड पे और सेंट्रल एरिया देखते हैं। इवनिंग में ये काफ़ी ज़बरदस्त लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, और बैठने के लिए काफ़ी बेंचेस लगे हुए हैं। ये इनका मेन एक सिटिंग स्पॉट है आप कह सकते हैं सेंट्रल स्क्वायर में, और इस साइड पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कैफेटेरियाज बने हुए हैं, और इधर आप आ सकते हैं। ये देखें जी स्ट्रीट साइड स्टॉल भी यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं हमें, ये देखें और वेजिटेबल्स हैं। चलते हैं हम आगे, और आई गेस दूसरी साइड पे इनका स्टेशन है और मेन शॉपिंग मॉल है। दोस्तों ये आ गया यहाँ का मेन शॉपिंग मॉल जिसका नाम है गैलरिया कैटोविस्का, काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है, फूड कोर्ट भी है यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और ऑफ कोर्स शॉप्स भी हैं काफ़ी। और बिल्कुल इसके सामने यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है, कैटोविस्का ट्रेन स्टेशन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा आर्ट वर्क किया हुआ है, ये एक हैंगिंग सी कैटल और कप बनाया हुआ है, और सिटिंग के लिए ऐसे बेंचेस बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल कप शेप में हैं। इवनिंग में ये बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे इन्होंने की हुई है। तो दोस्तों ये था छोटा सा टूर पोलैंड की सिटी का, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।